डॉली किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। व्हाइट चने से मैंने पहले लड्डू बनाए थे मीठे, जो कि लोगों को बहुत ही पसंद आया है। आज हम लड्डू बनाएंगे कुरकुरे और क्रिस्पी, जिसे हम फलाफल भी कहते हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। तो आइए देखते हैं कैसे बनते हैं सफ़ेद चने के बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे लड्डू। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने ये चने लिए हैं एक बाउल। इसे हमने पानी में भिगो के रखा है ओवरनाइट के लिए। ये चने में से पानी हमने ड्रेन कर दिया है और चने को हम डाल देंगे ब्लेंडिंग जार के अंदर। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक प्याज, ये हमने इसे काट लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, ये मैंने फ्रेश धनिया लिया है, अदरक, थोड़ी सी अदरक ली है, ये मिर्च ली है, मिर्च के मैंने दो टुकड़े कर दिए हैं, ये 7 से 8 कलियां लहसुन की हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक छोटा चम्मच नमक, आधा चम्मच भुना जीरा, आधा चम्मच गर्म मसाला, 2 चम्मच ये हमने लिया है मैदा, और ये बिल्कुल 1 पिंच हमने डाला है बेकिंग सोडा। इसे हम ब्लेंड कर लेते हैं। ये हमने ब्लेंड कर लिया है, इसे एक बाउल में डाल लेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने इसे दरदरा पीसा है, बहुत ज़्यादा हमने बारीक नहीं करना। ये हमारा मिक्सचर तैयार है। इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। यहाँ आपने ये ध्यान रखना है कि सरसों का तेल जो है वो हमने ठंडा नहीं डालना, गर्म करके डालेंगे, इसका बिल्कुल अलग से फ्लेवर आएगा इसके अंदर। इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है सरसों का तेल मिक्स करने से। सरसों का तेल गर्म हो गया है, इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। इसे हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तेल हमारा गर्म हो चुका है, फ्लेम हम मीडियम कर देते हैं और अब इसके अंदर हम इसे डालेंगे जो हमने मिक्सचर तैयार किया है चने का। आप चाहे तो आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, टिक्की की शेप दें, लड्डू की शेप दें, कोई भी शेप दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये नाश्ता है और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है ये। आपने ये ध्यान रखना है कि इसे लो मीडियम पे बनाना है ताकि अंदर से कच्चे ना रहें। आपने चने के मीठे लड्डू तो खाए होंगे, मैंने वीडियो दी थी, आज आप चने के कुरकुरे लड्डू खाएं, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी। आप देख रहे हैं कि ये हमारे फलाफल रेसिपी तैयार है। ये हमारी फलाफल रेसिपी तैयार है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी। इसे हम सर्व करेंगे। आप इसे सॉस के साथ, व्हाइट चटनी के साथ, जो दही चटनी होती है उसके साथ, ग्रीन चटनी के साथ, किसी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। यहाँ मैं फ्रेंड्स आपको एक टिप देना चाहूँगी, अगर आपने इसे बच्चों के टिफ़िन में डालना है तो आप सिंपल रोटी लें, जैसे हम चपाती बनाते हैं, उसके अंदर कोई भी सॉस लगा के, जो सॉसेज आपके पास पड़ी हो, दही वाली पड़ी हो या टोमेटो सॉस पड़ी हो या हरी चटनी पड़ी हो, कोई भी सॉस पड़ी हो, उसे लगा के उसके अंदर ये फलाफल रेसिपी को रैप करें। रैप करके आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, आप इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं। वैसे मैं आपको दोबारा से वीडियो दूंगी जिसके अंदर मैं रैप करके भी दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैंने फलाफल रेसिपी के अंदर से ये लड्डू बनाए हैं जो कि बहुत ही टेस्टी बने हैं। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप इसे बनाएं, ज़रूर ज़रूर इसे ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।